नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है शनिश्चरी अमावस्या। इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं और माघी अमावस्या भी कहा जाता है। माघी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि ये माघ महीने में आने वाली अमावस्या है। बाकी की तमाम अमावस्याओं में इस अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। आज के दिन आप जिन देवी देवताओं का मैं बता रही हूँ, उनकी पूजा करने मात्र से तमाम प्रकार के आगे व्याकी उपाधियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन इन देवी देवताओं की पूजा करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास रहता है। नेगेटिव एनर्जी कभी आपको टच नहीं करती है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही भारी दिन होता है। आज के दिन आप तमाम प्रकार के वो उतारे करें जिन उतारों को करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। सरसों से, लौंग से, काले तिल से, उड़द से घर के उतारे करें। ये उतारे हमेशा के लिए आपके घर को सुरक्षित कर देते हैं। आज के दिन यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो लोग अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी भूत पिशाच जिंद तक कभी उन्हें परेशान नहीं कर पाते। जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आई है, या तो वो जल करके खत्म होती है, या जहां से आई है वहां तुरंत वापस जाती है, भेजने वाले के ऊपर तुरंत उल्टा इफेक्ट शुरू कर देती है। यदि आज के दिन आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, आज कच्चे दूध में काले तिल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके भगवान शिव की पूजा करें। आज के दिन 14 काली मिर्च अपने ऊपर से, घर के ऊपर से उबार करके शिवालय में ले जाएं और भगवान शिव को अर्पित कर दें। तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा छोड़ेगी। आज के दिन काल भैरव के दर्शन करने से, आज के दिन काल भैरव की पूजा करने से, काल भैरव के नाम से यदि आप दारू चौराहे पर चढ़ाते हैं या काल भैरव के मंदिर में जाकर के आप दारू चढ़ा देते हैं, आपके घर के दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। आज के दिन जो लोग महाकाली को जागृत करते हैं दोस्तों, वो हमेशा के लिए अभय क्या उन्हें प्राप्ति होती है, अभय वरदान प्राप्त होता है, वो निर्भय बन जाते हैं, कायरता उनके अंदर से हमेशा के लिए चली जाती है, शत्रु हमेशा के लिए उनके आगे घुटने टेक देता है। आज के दिन जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमेशा पैसों में खेलते हैं, तो ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आज के दिन आप अवश्य कर लें। दोस्तों, हमेशा आपके घर में पैसे आते रहेंगे और पैसे आपके घर में अचानक अचानक आएंगे इस उपाय को करने मात्र से। ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो। हाँ, यदि सूतक है घर में या जो लेडीज से, यदि टाइमिंग में है, पीरियड में है, तो ना करें। आज के दिन आप कमल गट्टे की माला लाएं घर में। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय कोई चीज है तो कमल के पुष्प और कमल गट्टे की माला। आज के दिन कमल गट्टे की माला घर में जरूर लेकर के आए। जहां पर भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपने रखी है, तस्वीर को आज साफ कर ले। लाल रंग के कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की तस्वीर की स्थापना करें। तस्वीर पर आप कुमकुम का तिलक लगाएं, घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं। माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, मीठा दूध माता रानी को अर्पित करें, और जो कमल गट्टे की माला आप लेकर के आए हैं, उस माला के प्रत्येक बीज के ऊपर ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा बोलते हुए हल्दी का एक एक तिलक करते जाएं। 108 बार इस मंत्र को बोलकर कमल गट्टे की माला माता रानी की तस्वीर पर आज के दिन आप चढ़ा दें और हमेशा फिर चढ़ी रहने दें। जहां पर भी जो लोग जिनके घर में, ऐसे तो शायद ही कोई रेयर केस में घर होगा जहां पर तस्वीर घर में ना हो, लेकिन यदि आप जिसे घर से बाहर कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जहां आपने पूजा स्थान नहीं रख रखा है, घर के बाहर कहीं आपकी जिंदगी है, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकल करके नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, तो आज के दिन कमल गट्टे की माला लेकर के जहां माता लक्ष्मी का मंदिर हो वहां जाएं
और मंदिर में जाकर के पुजारी जी को कमल गट्टे की माला दे दें कि माता रानी की मूर्ति पर कमल गट्टे की माला चढ़ा दें। यदि आप घर में ना कर सके तो मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आज के दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला आपको अर्पित करनी है, चाहे जैसे भी आपका जो भी तरीका हो उस तरीके से करें, लेकिन आज यदि आप अर्पित करते हैं तो गरीबी हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगी। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।